करना था। अरे बेटा व्लॉगिंग करने थे यार, व्लॉगिंग करने। अरे मत मार रहे बेटा, अभी तो तू उसको मार रहा है। उसने अगर तेरे ऊपर धम 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 कर दिया ना तो रोता रहेगा रात भर। क्या बुरू? फिर सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। हमारा नया खाने पीने वाला वीडियो आ चुका है, मतलब आने वाला है, जस्ट प्रोसेसिंग में। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है यार, नदी पे पता नहीं क्यों लाइट गई हुई है। बिजली का बिल भर दिया कर, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। एकदम जो वेदर है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सही हो रहा है। और देखो ना पीछे, मतलब आगे ये देखो, मतलब क्या व्यू है यार, मतलब भाई साहब एक नंबर। बस यहाँ पे जो लाइट होती है ना, ये वाली भी लाइट बंद पड़ी है, सारी लाइटें बंद पड़ी है। बस जो भी है सही है, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो आदिप भाई हमारे नदी पे आए आटा डालने, डेली आते हैं, और यही अकेले स्वर्ग में जाने वाले हैं क्या? कोई और नहीं जाएगा? पूरा पूर्ण पूरी धरती का पुण्य यही का। अरे इतनी जल्दी मत कूद, इकलौता तो आ रही है तू। कह रहा है कृपया किनारे पे रेकी दर्शन करें और स्नान करें। हमारी तो फटती वैसे ही पानी से, तो कहाँ जाएंगे। और ये जो सामने देखो भेल वाले भैया दिख रहे हैं ना, इनकी भेल, कभी नदी पे आओ ना तो इनकी भेल खाना। बट कभी कभी अच्छी बनाते हैं, कभी कभी बिगाड़ देते हैं ये, मतलब सिर पे चढ़ गए आजकल, ज्यादा खा लो ना इनसे भी तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। अरे आ गया हमारा भूरू बेटा, आज पेडिग्री नहीं लाया बेटा, चलो बाद में आने। चलो 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 चलो, ये भी सिर चढ़ गया आजकल। और आंटी कैसे हो? और कभी भी नदी पे आ रहे हो ना तो देख लो ये आंटी हमारी, इनसे आटा लेना ठीक है ना, अगर किसी और से लिया ना तो 10 रुपए ज्यादा में देगी फिर आंटी। ठीक है आंटी, हाय कर दो यूट्यूब पे, हो गया आप भी। और ये आंटी जी की बेटी है तो इससे भी आटा ले लेना, इससे भी आटा ले लेने का, और ये भूरू कुत्ते से भी आटा ले लेने का। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं ना। तो यार ठंड ना मतलब A1 वाली पड़ चुकी है। कुछ खाने का ढूंढ रहे बट कुछ मिल नहीं रहा है, और नदी की साइड आया हुआ तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता। तो हमें पटेल साहब की एक बहुत पुरानी चाय की दुकान है, मतलब वो भैंस या गाय पता नहीं किसके दूध से बनाते हैं, बट उनकी जो चाय रहती है बहुत गाढ़ी रहती है, बिल्कुल रबड़ी बनाते हैं पूरी की पूरी। तो चलो पहले उनकी दुकान पे चलते हैं, चाय पिएगा। वैसे तो आई एम नॉट अ टी पर्सन, मतलब चाय ज्यादा पसंद नहीं है, कॉफी यार लगती है ठंड में, बट वहाँ की चाय भी इतनी अच्छी, जब भी हम यहाँ से निकलते हैं ना चाय पीते हुए जाते। चलो तुमको चाय बताता हूँ उनकी, मजा आ जाएगा। चलो चलो चलते पटेल साहब की दुकान पे चाय पीने के लिए। चलो देखो ये रही अपनी पटेल साहब की शॉप, जो कि चाय के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ये देखो गुरुद्वारा दिख रहा है नदी वाला, इसके जस्ट पीछे की साइड पे, नदी के साइड से भी आ सकते हो। शिप्रा का नया ब्रिज बना है, अभी तुमको लोकेशन पूरी बताता हूँ मैं। चलो ये आ गए पटेल साहब की दुकान पे। यार पटेल साहब हाय तो मेरे को। हाय। तो चलो अब चाय पीते हैं, बनते हुए दिखाता हूँ। और मतलब भाई की चाय ना मतलब बिल्कुल रबड़ी रहती है यार, तुमको बताता हूँ। चलो मतलब यहाँ से मस्त दूध ले लिया है, चढ़ा दिए चाय। मतलब भाई की चाय इतनी एडिक्टेड है ना, मतलब गांजा वांजा तो नहीं डालते हो ना इसके अंदर? चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा वांजा तो नहीं डालते हो? चरस चरस डाल, चरस गांजा मेरे को प्यार। इलायची अदरक लहसुन सब जा चुका है इसके अंदर। इलायची अदरक लहसुन सब, इलायची अदरक लहसुन सब जा चुका इसके अंदर। गाले भैया मेरा बूटा निकल गई, मेरी जबान टूट गई हाथ। क्या कर रहा, क्या कर रहा? मतलब यार स्मेल इतनी प्यारी आ रही है ना बिल्कुल के। पूछना नहीं चाहिए पटेल साहब, दिन भर में कितना दूध पीते हो? 4 बजे 50 लीटर। 50 लीटर? 50 तोला। कितना? 50 तोला। भाई मतलब पार्टनरशिप कर रहे हो यार। पहली फुर्सत में निकल। तो ठंड बढ़ चुकी है, और पटेल साहब थैंक यू यार चाय बनाने के लिए, बहुत कड़क चाय यार एक नंबर। यार चाय बन चुकी है, और इसका मतलब इसका जो अरोमा आ रहा है ना अंदर से, मैं तुमको अगर सुंघवा सकता है ना, अगर स्मेल करवा सकता है तो तुम भी बोलते क्या
स्मेल आ रही है, मतलब ठंड में तो मजा ही आ जाएगा। चल चीयर्स 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 भाई चीयर्स। पटेल साहब की चाय का पहला सिप बहुत दिनों बाद। गजब कैसी भाई? बहुत सही। चीयर्स भाई चीयर्स। डूल जाएगी चाय का टेस्ट, मतलब इतना सॉलिड है ना, तुमने ऐसी चाय पूरी उज्जैन में नहीं पी होगी। और अगर ये लोकेशन तुमको ढूंढनी है ना, मैं तुमको बताता हूँ चाय पीने के बाद। चाय का टेस्ट भाई पक्का है, आदमी ना चाय में चरस या गांजा पता नहीं क्या डालता है, बट भाई इसका जो टेस्ट है ना कैसा है। रबड़ी है, ऐसी चाय पिए कभी? रबड़ी मैं खुद बोलूं रबड़ी बिल्कुल, इतनी गाढ़ी और इतनी टेस्टी है ना, आई कांट इवन टेल यू दैट। इसका टेस्ट इतना सॉलिड। तो चाय का रेट 10 रुपए, लेकिन यार ये वर्थ है। जो चाय है ना, मतलब इनकी टी है ना, इतनी वर्थ है ना, मैं बता नहीं सकता। और देखो देखो यार, तो साफ बात है पटेल साहब की दुकान का रास्ता ना इतनी आसानी से मिलता नहीं है लोगों को। तो देखो ये अपनी शिप्रा नदी है, पूरी की पूरी इसका फ्रंट साइड है, वहाँ पे तुम देख सकते हो, वहाँ पे लोग बैठ के आटा डालते हैं, ठीक है। और जस्ट ये जो ब्रिज आ रहा है ना यहाँ पे सिद्धि माता के जस्ट पीछे से एक ब्रिज आ रहा है, यहाँ पे तुम इधर सीधे सीधे आओगे तो ये अपने पटेल साहब की दुकान। वैसे तो यार उज्जैन की सारी चीज़ें ही फेमस है, बट हम थोड़ी आगे जाके हमें पता पड़ा है यहाँ पे एक एवर फ्रेश सोडे वाले की भी दुकान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो हम वहाँ पे भी रुक गए, बट ये व्लॉग थोड़े दिन पहले का है। सो अंकल की स्माइल तो देखिए, बिल्कुल उनकी स्माइल ने ही हमें रोकने पे मजबूर कर दिया उनकी शॉप पे। सो हम रुके और अंकल ने बोला आइए मैं आपको अब हमारा स्पेशल वाला सोडा पिलाता हूँ। सोडा का टेस्ट इतना उमदा था ना कि मुझे तारक मेहता की जो अब्दुल की शॉप रहती है ना, उस शॉप की याद आ गई मुझे। बट सोडा वॉज लिट। सो घर पहुंच चुके हैं, बहुत लेट हो गया है सर्दी से गले की वाट लग चुकी है। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, होप यू लाइक इट। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टाटा टेक केयर, बाय बाय।